यार अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ऑयल चेंज कैसे करते हैं रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 के अंदर। ये किक स्टार्ट है ओनली। ओके तो यार आप नीचे आना, आपको ये दिख रहा होगा, ये एक बोल्ट 8 नंबर के, ये 19 नंबर का, ओके, और ये 12 नंबर का। ये तीन बोल्ट खुलेंगे, उसके बाद में ऑयल ड्रेन हो जाएगा नीचे से। ओके, एक, दो और ये तीन, ये तीन बोल्ट खुलेंगे भाई। ओके, अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये वाले टूल्स लगेंगे, तो रेजिट पाना है। ओके, ये 8 का, इस पर आगे लगा हुआ है गोटी है ना, और इस पर 19 की गोटी, और ये 17 की गोटी, ये 12 की 17 की नहीं है, 12 की है। ओके, अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसे खोलना है। तो यार ये अपन ने खोल लिया 12 का पाने से, और इधर की तरफ मैंने आपको बताया था 8 नंबर का, ये रहा 8 नंबर का, इसको भी ऐसे खोलना है। तो दोनों बोल्ट खुल गए हैं यार, मैं आपको दूसरा बता देता हूँ कौन सा बोल्ट है। अब ये है 19 नंबर का, इसको थोड़ा आपको आराम से खोलना है यार, बहुत बड़ा बोल्ट है, स्लिप ना हो जाए, आराम से एकदम कोऑर्डिनेशन बिठा के खोलना है। तो यार ये देखिए आप, बस बोल्ट खुल गए। ओके, थोड़ी यार इसमें मेहनत लगी लेकिन खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑयल ड्रेन कर लेंगे, तीनों नट्स जो है ना वो खोल के ऑयल ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए ऑयल निकलने लग गए। अब एक ये जो इधर पत्ती पाने, इसको भी खोल लेंगे। तो यार ये देखिए ये वाला बोल्ट भी खुल गया है। और यार आपका थोड़ा क्या है, हाथ है ना वो होगा गंदा, इसलिए यार ध्यान रखना गर्म गाड़ी में ये ऑयल के बोल्ट मत खोलना, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। नॉर्मल रहे गाड़ी टेम्परेचर पर तभी खोलना। ये देखिए इसका भी खुल गया, और इसके अंदर से ये देखिए फ़िल्टर निकलता है, एक ये फ़िल्टर। अब इसका खोल लेंगे, आगे वाले जो बोल्ट है ना 12 नंबर का, इसको भी खोल देंगे। तो देखिए यार एक जगह, दो जगह और ये तीन जगह से आपको बोल्ट खोलना है। ओके, तो यार अब वेट करते हैं ऑयल ड्रेन होने का, पूरा ऑयल ड्रेन हो जाएगा उसके बाद में बोल्ट लगा के वैसे के वैसे ही आपको कस देना है। ये फ़िल्टर ढंग से बिठाना है, इसका ध्यान रखना, और वैसे के वैसे ही आपको कस देना है इनको कपड़े से साफ़ करके, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऑयल कौन सा डालना है और कैसे डालना है और कितना डालना है। ओके, यार हमने बोल्ट वगैरह पूरे नीचे से कस दिए हैं, तीनों जो वो नीचे के बोल्ट थे ना रॉयल इनफील्ड के नीचे के जो चैम्बर के बोल्ट थे, तीनों कस दिए हैं। ओके, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल ड्रेन तो कर ही लिया हमने, ये देखो ड्रेन कर ही लिया है, अब इसमें ऑयल डालेंगे। ये है एडिमिशी का सेमी सिंथेटिक 15W30। तो यार ये जो है ना आपको इसमें आता है आपको 2.5 लीटर, ये देख सकते हो आप, आपको लेकिन डालना है 2.3। ओके, 2 लीटर 300 ग्राम आपको डालना है इसमें ऑयल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऑयल कैसे डालना है। अब सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे ग्लास से साफ़ करके, क्योंकि यार इस पर क्या है थोड़ा ऑयल जमा होता है, वो मिट्टी अंदर जाएगी, इसलिए आप पहले साफ़ कर लेना एक बार उसको कैप को, फिर उसके बाद में खोलना जिससे इंजन के अंदर मिट्टी ना जाए। तो यार बोल्ट खोल लिया है। ओके, अब डालेंगे इंजन ऑयल, ये रहा इंजन ऑयल एडीवीसी का, मैंने आपको जैसा आपको बताया था अभी हमने कीप यूज़ में लिए, जिससे यार ऑयल बाहर फ्लश ना हो, मतलब ढुले ना, इसलिए हमने ये कीप यूज़ में लिए। और ये सील पैक डब्बा है, देख सकते हो ये सील खुल गई है। तो यार एक बात मैं बता दूँ आपको, यार आपको अपने हिसाब से इसमें 200 ग्राम बचाना पड़ेगा ऑयल, तो यार अपने हिसाब से डालना। ओके, तो यार आप देख सकते हो ठीक बच गया ऑयल, 200 ग्राम बच गए। ओके, ये देखो आप इतना बचा लेना ऑयल 200 ग्राम। ओके, हो चुका है, बस अब हम इसको बंद कर देंगे और इंजन ऑयल चेंज हो चुका है रॉयल इनफील्ड 350 में। ध्यान रखना आपको 2 लीटर 300 ग्राम ही डालना है इसके अंदर। ओके, इसमें 2 लीटर 500 आता है, कईयों में 3 लीटर भी आता है, लेकिन वो ध्यान रखना आप। ओके, टिल देन स्टे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।